बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो मां नहीं बनना चाहती। नंबर 8, दीपिका पादुकोण। साल 2018 में दीपिका और रणवीर शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई बच्चा नहीं है। एक इंटरव्यू में दीपिका ने ये बोला कि हमें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। नंबर 7, कैटरीना कैफ। 1 साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे कैटरीना और विकी कौशल। फिलहाल साथ में अपना खुशनुमा पल बिता रहे हैं। हाल ही में ये अफवाह आई थी कि कैटरीना प्रेग्नेंट हैं, जिसे कि बाद में विकी और कैटरीना ने साफ गलत बताया। दोनों ने कहा कि फिलहाल हम अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग बाद में करेंगे। नंबर 6, नताशा दलाल। साल 2021 में वरुण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की। ऐसी खबरें आई कि नताशा प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वरुण ने इस बात को बिल्कुल गलत बताया और ये कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। नंबर 5, मौनी रॉय। लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2021 में मौनी और सूरज एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। फिलहाल ये दोनों अपने शादीशुदा जीवन को खुशी से जी रहे हैं और मौनी अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हैं। फैमिली प्लानिंग कुछ समय बाद करेंगी। नंबर 4, पत्र लेखा। 11 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार साल 2021 में राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को साथ में कई बार स्पॉट किया गया, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है। नंबर 3, प्रिया रुंछाल। जॉन अब्राहम और प्रिया ने साल 2014 में गुपचुप तरीके से शादी की थी। जॉन अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं और अपने सोशल मीडिया पे साथ में कोई भी तस्वीर साझा नहीं करते। जॉन ने एक बार फैमिली प्लानिंग के बारे में बोला कि अभी हमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। नंबर 2, विद्या बालन। विद्या बालन ने साल 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी, लेकिन अभी तक इनकी कोई संतान नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान विद्या से पूछा गया कि आप गुड न्यूज कब सुना रही हैं, तो इस पर विद्या ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, अगर कुछ लोगों के बच्चे नहीं होंगे तो इसमें गलत क्या है। नंबर 1, यामी गौतम। साल 2021 में यामी और आदित्य धार ने एक दूसरे से शादी की थी। यामी ने बेहद सादगी से शादी की। बच्चे के बारे में लेकर फिलहाल कोई खबर नहीं है। यामी शायद फिलहाल अपने करियर पे ध्यान देना चाह रही हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।